नमस्कार। दीजियाना के चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। प्रदेश की सबसे बड़ी बजट की नगरपालिका यानी कि राधौगढ़ नगरपालिका में 17 जनवरी को निकाय चुनाव संपन्न हुए, जिसके बाद 24 वार्डों के 59 प्रत्याशियों एवं अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। अब वोटों की गिनती होना है 20 जनवरी को, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन बनेगा राधौगढ़ का सिरमौर। पेश है दीजियाना की एक रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे महंगे बजट वाली नगरपालिका राघोगढ़ में 17 जनवरी को संपन्न हुए चुनाव की सरगर्मी इतनी तेज थी कि यहां पर पुलिस को चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी भी करनी पड़ी। अगर हम पुराना इतिहास उठाते हैं तो पाते हैं कि राघोगढ़ में कभी भी कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी ने नगरपालिका की सरपरस्ती ली ही नहीं है, या यूं कहें कि जनता ने सिर्फ कांग्रेस को ही नगरपालिका अध्यक्ष पद का दावेदार बनाकर रखा हुआ है। इस बार का चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एक विधायक से भिड़ने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज को भी राघोगढ़ आना पड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेता भी राघोगढ़ नगरपालिका में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले नजर आए, जिनमें विशेषकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, गुना विधायक पन्नालाल शाह के, चांचौड़ा विधायक ममता मीना, भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक आदि ने भाजपा के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया, जबकि कांग्रेस की ओर से सिर्फ विधायक जयवर्धन सिंह ने ही मोर्चा संभाल रखा था। वहीं अगर अतीत के पन्नों पर नजर डाली जाए तो ये चुनाव दिग्विजय सिंह के प्रतिनिधित्व के बिना कभी संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह नर्मदा परिक्रमा यात्रा पर हैं, जो कि पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कही जा रही है। इसी के चलते उन्होंने इस नगर पालिका चुनाव में किसी भी प्रकार का ना तो प्रचार प्रसार किया और ना ही वोट डालने पहुंचे। इस चुनाव को अहम बनाने के लिए यहां 4 मुख्य कारण भी हैं। क्या है ये कारण, बताते हैं आपको। कारण नंबर 1 यह है कि नगरपालिका चुनाव पहली बार दिग्विजय सिंह की गैर मौजूदगी में संपन्न हो रहा है, जिसकी वजह से भाजपा को कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कारण नंबर 2, राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के राघोगढ़ विधायक बनने के बाद यह उनके प्रतिनिधित्व में पहला चुनाव है जो यहाँ एक बड़ी अहमियत रखता है। कारण नंबर 3, इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी राजघराने से नहीं बल्कि राजघराने के करीबी एक परिवार से हैं। सूत्रों की माने तो प्रत्याशी यदि राजघराने से हो तो कांग्रेस का चुनाव जीतना आसान हो जाता है। कारण नंबर 4, भाजपा का पहली बार राघोगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष की सीट को गंभीरता से लेते हुए दिग्गज नेताओं का चुनाव प्रचार में शामिल होना। पिछले 50 साल के इतिहास की अगर बात करते हैं तो राधौगढ़ चुनाव में कभी भी धारा 144 या कर्फ्यू नहीं लगा, जो इस बार लग गया। सूत्रों की माने तो लक्ष्मण सिंह इस चुनाव से दूरी बनाते दिखाई दिए, हालांकि विधायक जयवर्धन ये नहीं मानते। उनका कहना है कि लक्ष्मण सिंह पूरे समय चुनाव पर नहीं नजर रखे हुए थे। वहीं इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा के चलते नहीं आ पाए। इस चुनाव से कांग्रेस की गुटबाजी तो साफ तौर पर नजर आ गई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रादेशिक नेता इस चुनाव को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे, वहीं कांग्रेस खेमे में किसी ने भी नगर पालिका चुनाव में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, फिर चाहे वे राज परिवार से हों या फिर गुना कांग्रेस के दिग्गज लोग। ये तो थी एक रिपोर्ट। अब बताते हैं चुनावी समीकरण। राघोगढ़ नगर पालिका में कुल 24 वार्ड है। इन 24 वार्डों पर हमारे संवाददाताओं की पैनी नजर शुरू से ही रही थी। आपको बता दें कि जब से राधौगढ़ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए हैं, तब से डीजाना न्यूज लगातार पल पल की खबर पर नजर रखे हुए था और उसकी हर खबर आप तक पहुंचाई जा रही थी। साथ ही डीजाना न्यूज की एक और उपलब्धि इस चुनाव में यह रही कि डीजाना न्यूज गुना जिले में राघोगढ़ चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। अब अगर चुनाव की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि राधौगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कुल 24 वार्ड आते हैं, जिनमें कांग्रेस, भाजपा व अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 59 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ चुनाव लड़े।
नगर पालिका अध्यक्ष पद की बात करें तो यहाँ पर 11 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, वहीं नामांकन वापस लेने की तिथि तक यहाँ से 7 नामांकन वापस ले लिए गए और कुल 4 प्रत्याशी राघोगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मैदान में बचे। सबसे पहले हम बता दें इन 4 प्रत्याशियों के बारे में। इस चुनाव में सबसे कम उम्र की 28 वर्षीय अध्यक्ष पद की प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से आरती महेंद्र शर्मा हैं, जो कि राघोगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा की पुत्रवधु हैं। वह राजघराने से हमेशा यह परिवार काफी करीब रहा है। वहीं दूसरे प्रत्याशी के ऊपर यदि निगाह डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी से 40 वर्षीय माया देवी पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल मैदान में है। माया देवी के बारे में आपको बता दें कि ये रुठियाई की निवासी है। वहीं इस बार राघोगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी किस्मत आजमाई है, जिनमें एक जाना पहचाना नाम ऋतु अनिमेश भार्गव का है। ऋतु भार्गव जो कि राघोगढ़ के जाने पहचाने वकील अशोक भार्गव की पुत्रवधु हैं, और कहा जा रहा है कि यह घराना भी हमेशा से राजघराने के बहुत ही करीब रहा है, लेकिन इनका निर्दलीय रूप में सामने आना कहीं ना कहीं राजघराने के अंदर उठी 2 दीवारों को दर्शा रहा है। वहीं राजघराने से ही हमेशा से जुड़े रहे एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी इस बार मैदान में उतरे हैं, जिनका नाम शमीम बानो पत्नी असलम शेर खान है। असलम शेर खान राघोगढ़ अंजुमन कमेटी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक बड़ा चेहरा हैं। यहाँ चुनावी विशेषज्ञों की माने तो ऋतु अनिमेश भार्गव व शमीम असलम शेर खान कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक पर डाका डाल सकते हैं, लेकिन असल में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी यह तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा। फिर भी डीजीएनआर न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि इस बार राघोगढ़ नगर पालिका में कौन अध्यक्ष बनकर दाखिल होगा व पार्षद पद के किन किन चेहरों को जनता पसंद करेगी। राघोगढ़ के नगर पालिका चुनाव में केवल 74% ही मतदान हो पाया। गौरतलब है कि डीजीएनआर न्यूज द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रम चुनावी चौपाल में राघोगढ़ चुनाव के बहिष्कार को लेकर कुछ लोग सामने आए थे। इसी का नतीजा यह रहा कि मतदान प्रतिशत केवल 74 पर आकर सिमट गया। यहाँ अगर राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर निगाह डाली जाए तो कुल 24 वार्डों में सबसे ज्यादा भारी पड़ला कांग्रेस का नजर आ रहा है, जिन्हें 16 से लेकर 18 वार्डों पर कामयाबी हासिल होने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रत्याशी केवल 6 से 8 वार्डों पर ही अपना कब्जा दर्ज करा पाएंगे, जो भाजपा के लिए राघोगढ़ चुनाव में अभी तक के चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जबकि 1 वार्ड निर्दलीय के पक्ष में भी जाने की उम्मीद है। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों पर यदि निगाह डाली जाए तो यहां पर विजेता कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां डीजीएनआर न्यूज द्वारा कई चुनावी विशेषज्ञों से राय भी ली गई है, उसके बाद हमारा तैयार किया एग्जिट पोल आपके सामने है। कांग्रेस प्रत्याशी की उम्मीद है और अध्यक्ष पद के लिए आप अध्यक्ष पद के लिए तो 100% आरती शर्मा जी हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। पार्षद के लिए अभी तो अपन तो खेल नहीं सकते, मगर उम्मीद है कि कांग्रेस आना चाहिए। अभी तो बराबर ही है बराबर मतलब, और अध्यक्ष के लिए भी यही है। साहू 8 क्रमांक 5 से हूँ और हमारा प्रत्याशी कांग्रेस का राधे किशन कश्यप है और अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस की आरती शर्मा। हमारा पार्षद जीतेगा। क्या नाम है? अफसाना बानो अशफाक खान चिन खजूर का पेड़ नारियल का पेड़। उम्मीद चंद्रशेखर की। और अध्यक्ष के लिए? अध्यक्ष के लिए कोई कन्फर्म नहीं। चंद्रकोरी। और अध्यक्ष के लिए? वो ये आरती आरती सर हमारे के नाम से अरे भरोसा जी सैनी भाजपा से उनकी उम्मीद है। अध्यक्ष के लिए अग्रवाल जी चंदू जीत रहा। अध्यक्ष अब्दुल्ला पार्षद कांग्रेस से जीत रहा है। अध्यक्ष भी कांग्रेस का ही है। पार्षद की उम्मीद जो है कि ज्यादातर कांग्रेस की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। अच्छा अध्यक्ष ने भी कांग्रेस की उम्मीद है। चंद्रशेखर बनकर आजाद जीतेंगे। अध्यक्ष में कांग्रेस ही आई। मेरा नाम राहुल ओझा, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। मुझे लगता है कांग्रेस वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी देवी सोनी जीतेंगे और अध्यक्ष के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आरती महेंद्र शर्मा। हमारा पार्षद उम्मीद है हमें लगभग 200 से 250 के बीच में इंशाल्लाह जीत हासिल कर रहा है। अध्यक्ष भी कांग्रेस के हमारे निकलना है लगभग 5 से 7 हजार के बीच में। पुरुषोत्तमपुरी अध्यक्ष भी जीतने का ही वो तो हमारी उम्मीद से। तो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होने के बाद कांग्रेस की जीतने की उम्मीद
85% बताई जा रही है, जबकि जीत की 10% उम्मीद भाजपा के पक्ष में है। वहीं 5% का आंकड़ा अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में भी चला गया है। अब देखना यह होगा कि हमारा चुनावी विश्लेषण कहां तक सटीक पहुंचता है। ये तो ईवीएम के खुलने के बाद ही सामने आएगा। चुनावी विश्लेषण में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीजे आना न्यूज़।